तो एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि भाई ये जो महाराजा है ना इन्हें कोई नहीं हरा सकता कभी भी बहुत मतलब अभी तुम पढ़ोगे ना इनके बारे में तो तुम जानोगे कि इनमें कितनी खूबियां थी और कितने ज्यादा ये पावरफुल और स्ट्रांग थे लेकिन एक दिन इनकी मृत्यु होनी और इनकी मृत्यु का कारण कौन बनेगा ये बाघ तो इन्होंने डिसाइड किया निर्णय लिया कि भाई जब कोई बाघ बचेगा ही नहीं तो मुझे मारने वाला होगा ही कौन है ना तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं जो है सारे बाघों को खत्म कर दूंगा उनकी पूरी जो है जाति या प्रजाति मिटा दूंगा ताकि मैं हो जाऊं हमेशा के लिए अमर इसीलिए इनका नाम जो है क्या पड़ गया था द टाइगर किंग अब आ जाओ इस स्टोरी में स्टार्ट करते हैं तो महाराजा प्रतिबंधपूरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी इस स्टोरी के हीरो कौन है महाराजा है कहाँ के महाराजा हैं याद रखना प्रतिब प्रतिबंधपुरम के हैं ठीक तो ये जो महाराजा है ये कहाँ के हैं ये महाराजा हैं प्रतिबंधपुरम के इट्स द हीरो ऑफ दिस स्टोरी ही मे बी आइडेंटिफाइड एस भाई अब इनका नाम याद रखने में तुम्हारे धुएं उड़ने वाले हैं लेकिन याद रखना है तो उनका नाम देखो भाई कहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है फिर हाइनेस जामेदार जनरल खिलेदार मेजर सतव्यग्रह तमहारी महाराजा अधिराजा विश्व भुवन सम्राट जानी जंगजंग बहादुर एम ई -E डी ए सी टी सी सी आर सी के ये इनका पूरा नाम है जो तुम्हें रखना है याद क्योंकि हो सकता है आ जाए तुम्हारे है ना कि भाई महाराजा का पूरा नाम क्या था तो याद रखना है ठीक है नाम याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है स्टार्टिंग के वर्ड्स याद रखो है ना तुम्हें याद रहेगा एच एच जे जी इस तरीके से तुम्हें ये याद रह लेगा इस तरीके से याद कर लेना और इनका शॉर्ट नाम क्या है टाइगर किंग

मैं आज नहीं हटने वाला दस टू का मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर में जो है टाइगर किंग के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बात बताना क्या है अनिवार्य है इम्परेटिव का मीनिंग होता है अनिवार्य है ना देख लो ठीक है

जिसका जो हिम्मत है करेज है वो कभी भी नहीं बदलता था सामने कोई भी आ जाए कभी भी ये आदमी टूटता नहीं था क्लियर बट इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट एज भरत सेट टू राम अबाउट दशरथ द किंग हैज रीच दैट फाइनल अबाउट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएटर्स फाइनल अवार्ड का मीनिंग क्या हुआ फाइनल अबॉर्ड का मीनिंग हुआ अंतिम निवास मतलब इन वर्ड्स द किंग इज डेड तो क्या मतलब वो यहाँ पे कि जो हमारे जो टाइगर किंग है ना उन वो अब डेड हो चुके हैं इसका मतलब जो मैंने तुम्हें बताया वो बात हुई है बट कैसे हुई है वो चीज अच्छी है वो चीज इंटरेस्टिंग है इसलिए वो चीज मैंने अभी नहीं खोली कि उनकी डेथ का कारण क्या था वो हम एंड में ही जानेंगे तो ये तुम्हें मजा आएगा ठीक है तो यहाँ जान लो अभी कि जो टाइगर किंग है वो अपने अंतिम निवास पे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं इट मींस ही इज डेड वो मर चुके हैं द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट जो मैंने तुम्हें बोला कि जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है ना वो चीज ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग है तो उसके लिए वेट करो इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल स्टोरी के एंड में ही मालूम पड़ेगा द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डेमाइज़ डेमाइज़ होता है मृत्यु

चैंपियंस मतलब जो ये जो बच्चा जन्मा है ना ये मतलब भाई हर चीज में टॉप पे होगा में 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 हर चीज़ वो टॉप पर ही होगा बट बिट देयर लिप्स एंडलोड हार्ड लेकिन जब उन्होंने आगे बोलना चाहा तो वो क्या हो गए एकदम नर्वस हो गए और ऐसा होता है ना डर के मारे हम ऐसे करते हैं स्वेलो करना निगलना है ना स्वेलो करना निगलना करना, करना। मजबूर करना. मतलब क्योंकि वो डर गए बोल नहीं रहे थे वो आगे लेकिन उन्हें मजबूर किया गया कि भाई पूरी बात बताओ तो उन्होंने क्या बोला दिस इज सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल ये एक सीक्रेट है रहस्य है जो रिवील नहीं करना चाहिए मतलब सामने लाना नहीं चाहिए तो यहाँ क्लियर हो गया तो मैं वो भी एक ज्योतिषी थे जो ऑथर है इसके वो भी एक ज्योतिषी थे जो एक कहानी बता रहे हैं तुम्हें तो, तो वो बोलते हैं कि लेकिन हमें फिर भी फोर्स किया गया कि भाई बोलो तुम द चाइल्ड day अंडर दिस स्टार विल death. अब इस चाइल्ड जो है जो बच्चा है जो इस राशि में जन्मा है उसे उसकी डेथ से मिलना है एक दिन एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस मिरेकल क्या होता है चमत्कार जब ये बात उन्होंने बोली तब सडनली उस मोमेंट पे एक चमत्कार हुआ वो चमत्कार क्या था वो देखो एन एस्टोनाइशिंग फेज इमर्श फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टेन डे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर अब क्या हुआ एक आश्चर्यजनक वाक्य निकला है ना एस्टोनाइशिंग फेज होता है आश्चर्यजनक वाक्यांश या वाक्य इसके मुंह से भाई सिर्फ एक दस साल का सॉरी दस नहीं दस दिन ही हुए थे हमारे टाइगर किंग को पैदा हुए हुए और वो बोलने लगे और क्या बात हुई ओ वाइस प्रॉफिट एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन इन स्ट्यूप फैक्शन अब क्या हुआ भाई सब सुन हो गए वहां पे एकदम सुन हो के खड़े हो गए कि भाई ये कौन बोला एकदम They looked widely at each other and blinked. सब एक दूसरे की तरफ देखने लग कौन बोला कौन बोला है ना

क्लियरली अब क्या हुआ उनको कि भाई अब उन्हें क्लियर हो गया कि ये कोई और नहीं बल्कि वो जो दस दिन का बच्चा था उसने ये बात निरूपित की इनशिएटिव होता है निरूपित करना ठीक okay? है

वो वो जो दस दिन का बच्चा था था बात बोल रहा है ना और वो बोलते हैं कि इसमें ना लॉजिक कब आएगा इस बात में जब तुम मुझे ये बताओगे कि भाई मृत्यु होनी कैसे है है ना मेरी मृत्यु का कारण क्या होगा वो बताओगे तो थोड़ा लॉजिक लगेगा वरना ये तो प्रिडिक्शन कोई है नहीं तुम्हारी जो Obviously, जो आया है वो जाएगा भी जो जन्मा है वो मरेगा भी तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है तुम कारण बताओ तो बड़ी बात है कि प्रिडिक्शन तुम्हारी होगी सफल की नहीं होगी है ना और तो एक बच्चे की आवाज कैसी होती है वो वाली बात की गई है यहाँ चीफ एस्ट्रोलॉजा प्लेज इज फिंगर्स ऑन इज नोज इन वांडा अब बेबी बेयरली टेन डेज ओल्ड ओपन इट्स इन स्पीच नॉट ओनलीट इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन आप वो जो है अपने ऐसे नोस पे यार ये कैसे हो सकता है एक दस दिन का बच्चा बोल भी रहा है और बोलने के साथ साथ तो इंटेलिजेंट बातें कर रहा है लगा के बात कर रहा है ना दिमाग लिटिल प्रिंस अब उन्होंने अपने से फिंगर हटाई और उनकी आईज उस छोटे से राजकुमार के ऊपर द प्रिंस वॉज बोर्न इन दर ऑफ बुल आर ऑफ ना बुल कौन होता है बैल तो वो क्या बोलते हैं कि जो राजकुमार है ये कब जन्मे हैं बैल के टाइम पे ना बैल की राशि में जन्मे है द एंड द टाइगर और एनिमीज दे फोर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन और उन्होंने बताया कि भाई बैल और टाइगर जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं एनिमीज होते हैं दुश्मन होते हैं इसलिए इनकी जो मृत्यु का कारण होगा वो कौन होगा एक बाघ होगा क्लियर

जैसे उन्होंने ये बात बोली तो हमारे जो राजकुमार थे वो गड़गड़ाने लगे गरजने लगे है ना Terrifying words emerged from his lips. Terrifying भयानक words निकले उनके मुंह से वो वर्ड्स क्या थे अब वो क्या बोलते हैं कि भाई अब टाइगर्स जो हैं उनको अवेयर कर दिया जाए तुम्हारी कैर नहीं है अब

क्या हुआ कि भाई वो जो बच्चा था क्राउन प्रिंस थे हमारे राजकुमार थे वो दूध भी अंग्रेजी गाय का पीते थे पढ़ते भी एक अंग्रेजी टीचर से ही थे और उन्हें संभालती भी एक अंग्रेजी नैनी ही थी और वो कुछ नहीं बस इंग्लिश फिल्म ही देखते थे एग्जैक्टली द क्राउन प्रिंस ऑफ अदर अदर ऑल इंडियन जैसे बाकी के जो और इंडियन स्टेट्स के जो होते थे प्रिंस वैसे ही सेम रहा उनका भी वैन केम ऑफ एज एट ट्वेंटी ही ऑफ है किंगडम रिमेंबर दोलॉजर्स प्रोडिक्शन लेकिन सबको वो तो चीज भी, सब भी याद रही कि इनकी जो मृत्यु है वो कैसे होने वाली है मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर स्लोली केम टू द महाराजाजर्स लेकिन जब ऑब्वियसली अब लोग डिस्कस करते हैं करते 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 वो सब में बात फैलती है तो एक दिन ये बात जो है अब जो हमारे क्राउन प्रिंस थे थे वो क्या बन गए महाराजा उनके कानों में भी ये बात आ गई दे 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 वर वर इन सॉरी नमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट मतलब प्रतिबंधपुरम राज्य जो था वहां पे बहुत सारे जंगल थे बहुत सारे अनगिनत जंगल थे दे हार टाइगर्स इन और उसमें क्या थे भाई टाइगर्स थे द ओल्ड यू अ इन सेल्फ डिफेंस अब महाराजा को जो है वो पुरानी कहावत याद थी भाई कि तुम्हारे सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाने के लिए तुम एक गाय भी मार सकते हो तो टाइगर्स भी मारे जा सकते हैं तो महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट अब महाराजा ने क्या किया भाई टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया उत्साहित तो मतलब इतने इतने हुए ना जब उन्होंने अपना पहला बाग मार दिया था ये सेंड फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर इन शोर्ड हिम द डेड बीस अब देखो वो थ्रिल्ड क्यों थे क्योंकि उन्हें पता था कि भाई एक टाइगर है उसको मारना है और मैं मतलब सही रहूंगा है ना लेकिन उन्हें पूरी बात नहीं पता थी तो उन्होंने क्या किया वो जो शव था वो किसको भेजा जो एस्ट्रोलॉजर था जिन्होंने वो की थी भविष्यवाणी की थी उनके पास भेजा डू यू से नाउ ही डिमांडेड योर मेजेस्टी यू में एग्जैक्टली सेम मैनर अब बात क्या हुई कि भाई अब क्या कहोगे तुम तो उन्होंने क्या बोला कि आपको ऐसे ही निन्यानवे टाइगर्स और मारने पड़ेंगे मेजेस्टी बट ऐसे ही आपको निन्यानवे टाइगर्स मारने पड़ेंगे और फिर वो एकदम डर गए बोले नहीं तो राजा महाराजा जो है वो बोलते हैं कि बोलो डरो मत तो बोलते हैं लेकिन आपका जो सौ हंड्रेड टाइगर है उससे आपको बहुत बच के रहना पड़ेगा बिकॉज वही आपकी डेथ का कारण बनेगा मतलब कौन सा टाइगर निन्यानवे मारने के बाद जो सौवा होगा वो हंड्रेड जो होगा वो गुच्छा होता है ना जो एस्ट्रोलॉज ज्योतिषी और ये लोग होते हैं यहाँ पे इनके ऐसे बना हुआ होता है जुड़ा टाइप तो वो क्या बोलते हैं कि भाई अगर तो ये हो गया ना हंड्रेड टाइगर भी आपने मार लिया तो मैं ये एस्ट्रोलॉजी सब छोड़ दूंगा बाल वाल सब कटा लूंगा छोटे बिल्कुल और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा द एस्ट्रोलॉजी ऑन एन इन ऑन एन इन कोहेरेंट नोट ठीक है और फिर क्या हुआ सॉरी <laughs> फिर उन्होंने मतलब ये बात कैसे की एक बेतुके अंदाज में कही कि भाई मतलब में कही है ना फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड सेलिब्रेशन टाइम एक्सेप्ट महाराजा फिर क्या हुआ कि भाई अब जो है उन्होंने क्या किया क्योंकि ही मारने सारे टाइगर्स सौ तक तो उन्होंने क्या किया कि भाई स्टेट में क्या बोल दिया कि कोई भी टाइगर्स को हंट नहीं करेगा टाइगर्स का शिकार कोई भी नहीं करेगा मेरे अलावा महाराजा के अलावा अ प्रोक्लेमेशन वाज़ इशूड एट टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग तो मच अ स्टोन एट अ टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्क कॉन्फिस्केटेड कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर ली जाएगी फिर क्या हुआ एक प्रोक्लेमेशन निकला कि भाई अगर किसी ने मतलब एक छोटा सा कंकर एक छोटा सा पत्थर भी टाइगर के ऊपर फेंका ना मेरे अलावा तो उसकी सारी जायदाद कर ली जाएगी हंड्रेड टाइगर वार्ड शपथ लेना या कसम खाना मतलब महाराजा ने जो है कसम खा ली थी कि भाई आप जो भी मैटर्स हैं राज्य को लेके वो सब कब देखूंगा मैं जब मैं ये सौ टाइगर्स पूरे मार लूंगा

खाली हाथों से बिना किसी औजार के बिना किसी हथियार के उससे लड़ते थे इस टाइम इट वॉज द महाराजा हर बार कौन जीतता था महाराजा की जीत होती थी एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग और एक वक्त ऐसा है क्योंकि उन्होंने भाई कसम खाली थी कि मैं आप राज्य के सारे मैटर कब देखूंगा जब मेरा ये टाइगर वाला किस्सा खत्म होगा बट एक बार का टाइम ऐसा हुआ कि उन्हें जो है अपना जो थ्रोन था अपनी जो गद्दी थी वो खतरे में पड़ गई थी उनकी इस वजह से अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिट प्रतिबंधपुरम एक हाई रैंक मतलब एक ऊंचे रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर जो है प्रतिबंधपुरम आया था घूमने ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर फॉन्ड होना मतलब उसे बहुत अच्छा लगता था बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता था टाइगर्स हंट करना एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हेड शॉट और उससे भी ज्यादा उन्हें क्या अच्छा लगता था कि भाई मुझे जो है उस टाइगर के साथ जो भी टाइगर वो मारते थे उसकी फोटो लेनी होती थी उन्हें एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिज़ोलव फर्म पक्के पक्का इरादा है ना तो क्या बोला कि भाई उसने प्रतिबंधापुरम में भी यही बात रखी कि मुझे टाइगर्स हंट करने लेकिन हमारे महाराजो थे वो अपने डिसीजन पे पक्के थे बिल्कुल ही रिफ्यूज परमिशन आई कैन ऑर्गेनाइज एनी हंट यू में गो ऑन अ बोर हंट बोर कौन होता है है ना कंडक्ट हंट वी आर रेडी मस्किटो हंट मस्किटो मच्छर तो उन्होंने क्या किया जब उन्होंने ये बात रखी ब्रिटिश ऑफिसर ने कि मुझे टाइगर हंड करना है तो महाराजा ने मना कर दिया और क्या बोला कि हम भाई किसी सुअर भी का तो भी रख लेंगे शिकार एक तुम बोलोगे चूहों का भी रख लेंगे और तुम बोलोगे तो मच्छरों का भी रख लेंगे लेकिन टाइगर्स की परमिशन मैं नहीं देने वाला

What was was important to the the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger carcass. Carcass होता है शव है ना तो क्या हुआ कि भाई उसके लिए क्या जरूरी था कि बस मेरी जो है एक गन ले लूँ मैं और यहाँ पे उसका टाइगर का शव हो और बस एक फोटोग्राफ हो जाए

तो भाई ये हो सकता था कि आप जो है उन्हें अपना जो थ्रोन है वो खोना पड़ सकता था महाराजा द एंड इन द इन दीवान डेलीब्रेशन ओवर दिस इशू डेलीब्रेशन होते हैं किसी बात पर विचार विमर्श मतलब उन्होंने इस पे जो है बैठकर इस

म फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स ठीक है और कुछ भी टाइम नहीं लगा और उन्होंने रिंग्स रख ली और साथ में क्या लिख के भेजा की आपका बहुत शुक्रिया गिफ्ट के लिए और दो दिन के बाद कितने रुपए का बिल आया तीन लाख रुपए का बिल आया ब्रिटिश ज्वेलर्स की तरफ से द महाराजा वॉज हैप्पीज ही हैड थ्री ऑफ रुपीज़ ही मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम महाराजा किस बात पे खुश थे कि भाई ठीक है तीन लाख रुपए गए तो गए बस मेरा जो किंगडम है वो बच गया ठीक है इसकी आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तब तक के लिए दिस इज मदिया खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय है